हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान कंगना की मां और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। कंगना पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। मंडी लोकसभा सीट पर कंगना का मुकाबला करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल प्रदेश की सभी चार सीट लोकसभा सीट के लिए अंतिम चरण यानी सातवें चरण में 1 जून को मतदान होगा। राज्य में कुल 4 लोकसभा सीटें हैं जो कि कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप शिमला से चुनाव लड़ रहे हैं। कांगड़ा सीट से बीजेपी ने राज ई भारद्वाज को मैदान में उतारा है। वहीं हमीरपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। हाल ही में कंगना रनौत पर हमला करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह बोले कि अभिनेत्री खुद के बारे में इतना बोलती हैं कि कुछ भी कहना बचा ही नहीं है। लाहौल एवं स्पीति में काजा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रनौत को लोगों को यह बताना चाहिए कि वह स्पीति क्यों नहीं आई और रिकांगपिओ से ही क्यों लौट गई। उन्होंने दावा किया कि रनौत स्पीति नहीं आई क्योंकि उन्हें डर था कि दलाई लामा के खिलाफ अपने बयान के कारण उनका स्वागत काले झंडों से किया जाएगा। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यदि कंगना का दिल साफ है तो उन्हें स्पीति का दौरा करना चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा कि अभिनेत्री कभी कभी कहती हैं कि भारत को 2014 में आज़ादी मिली और सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब वह आत्म प्रशंसा करने लगी हैं और कह रही हैं कि अमिताभ बच्चन के बाद वही एकमात्र कलाकार हैं जिन्हें देश भर में लोग जानते हैं और वो जहाँ भी जाती हैं उन्हें अधिकतम सम्मान मिलता है।